अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग गोश। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमने 1 कप मूंग को भिगो लिया है 1 घंटे के लिए, और ये 1/2 किलो हमारा बकरे का गोश है। ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है। ये मसाले में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और गरम मसाला, हम अपने हिसाब से मसाले ले लें, और 1 चम्मच होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब शुरू करते हैं हम। इसके लिए हमने कुकर ले लिया है, उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अपनी प्याज ब्राउन करेंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हमने उसमें गोश्त डाल दिया है। अब हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये मसाला भुनने देंगे हम। हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी मूंग ऐड कर देंगे, फिर से भून लेंगे। अब हमारा मूंग गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 गिलास के करीब। अब 1 सीटी के बाद 25 मिनट तक इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, फिर मिलते हैं पकने के बाद। हमारा मूंग गोश्त तैयार है। अब हम इसको सर्व करें नान के साथ या चावलों के साथ। अब मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।